गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? वेलकम बैक टू दिस चैनल हैरी गिल फ्रेंड्स। सो आज हैरी को इस बात का नहीं पता कि उसके चैनल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सरप्राइज़ है। तो आज हम सुबह 6 बज रहे हैं, हम सुबह उठे हैं, तो आज हम जा रहे हैं पास्टर साहब के साथ विज़िट पे। तो इस चीज़ का हमें भी आइडिया नहीं है कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, ये भी हमारे लिए सरप्राइज़ है। तो चलो आगे आगे देखो हम किधर जाते हैं, तो साथ साथ आपको बताते रहेंगे। और मैं जल्दी वीडियो बनाने की जल्दी में लगता कपड़े भी नहीं पहने, तो अभी कपड़े चेंज करके तो मैं आपके पास आता हूँ। तो जी गाइस, कपड़े कर लिए चेंज, अब हमारी तैयारी है कि हम नाश्ता करके निकले यहाँ से, पास्टर साहब की तरफ पहुँचना है, उधर से फिर हम आगे निकलेंगे जहाँ विजिट पर जा रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर रास्ते में, आपसे बात करेंगे ज़रूर। तो जी गाइस, हम जाने के लिए रेडी हैं, पास्टर साहब की तरफ चलेंगे, उधर से जाके पास्टर साहब के साथ हम आगे विजिट पर चलेंगे। तो मिलते हैं पास्टर साहब की तरफ चल के। तो जी फ्रेंड्स, हम पास्टर साहब की तरफ पहुँच गए हैं, तो मिलते हैं पास्टर साहब से अंदर चल के, और पास्टर साहब रेडी हैं, फिर निकलेंगे रास्ते में, आपसे बात करेंगे ज़रूर। तो जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गाड़ी पीछे आ चुकी है, हम निकल रहे हैं। तो हम पास्टर साहब से मिले, पास्टर साहब ने अभी हमें बताया, हमें इन्फॉर्म किया कि गोजरे के लिए जा रहे हैं हम, गोजरा जाके वहाँ खुदा यीशु मसीह के नाम को जला देंगे। तो अपने दुआओं में याद रखें और देखते रहें। तो हमारा सफ़र अभी स्टार्ट ही हुआ था, और स्टार्ट होने के साथ साथ अभी थोड़ा सा आगे पहुँचे तो एक एक्सीडेंट हुआ था। ये देखिए, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, हम आगे बढ़े और आगे जाके हमने बड़ी बड़ी प्यारी लोकेशन देखी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब के ब्यूटीफुल जगह देखी। और अभी हमारा सफ़र मतलब के स्टार्ट ही था, काफ़ी लंबा सफ़र था, और हमने गाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि आज की जो वीडियो थी ये शान ने रिकॉर्ड की थी, और अच्छा इस चीज़ का सरप्राइज़ था मेरे लिए कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हम रस्ते में थे तो हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो आप देख सकते हैं पीछे मेरे बोर्ड है, बोर्ड पर आप देख सकते हैं खाना साहब के पास, हम फैसलाबाद के पास सच्चा सौदा के पास हम पहुँच चुके हैं। जगह का मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हम ननकाना साहब के पास हैं बिल्कुल। तो हमारा टायर पंचर हो गया, तो अगर कैमरामैन मेरा आप गाड़ी दिखा दे आपको टायर पंचर हुआ तो आप देख सकते हैं। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी का टायर पंचर हुआ पड़ा है। ये देखें फ्रेंड्स, हैरी साहब अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको नहीं पता कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, उसके लिए सरप्राइज़ है उसकी वीडियो। आप देख सकते हैं हैरी विशाल के साथ बातें कर रहा है, और ये हमारे कैमरामैन भाई हैं, एक लेटा हुआ है, एक फ़ोन यूज़ कर रहा है, इसीलिए इसी तरह सारे अपना इंजॉय कर रहे हैं, टाइम का वेट कर रहे हैं कि गाड़ी ठीक हो तो हम निकलें यहाँ से। गाइस, पंचर लग चुका था और हम सफ़र के लिए निकले हैं, अभी आप देख रहे हैं। फिर से वही ब्यूटीफुल मौसम बना था, लोकेशन आ रही थी, और हम काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं साथ में। पहुंचने वाले हैं, बस 20 किलोमीटर रह गया है, यहाँ से 20 किलोमीटर सफ़र के बाद हम गोजरा में एंटर हो जाएंगे। तो गोजरा में पहुंच के आपको दिखाते हैं कि कैसा गांव है वो। वैसे आप सारा रास्ता देख रहे हैं, खूबसूरत जगह है ये, इंजॉय करने वाली, विजिट करने वाली जगह है ये। तो जी फ्रेंड, आप देख सकते हैं हम गोजरा में पहुँचे, अभी रास्ते में हमें एक नहर नज़र आई है, तो थोड़ी देर स्टे करने के लिए हम रुके हैं, इंजॉय करने के लिए। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पर। पास साहब पीछे खड़े हैं, आप देख सकते हैं फ़ोन पे बात कर रहे हैं।
हैरी भी पीछे है। चलो देखते हैं क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं यहाँ। गैस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पास साहब पानी पीने के लिए रुके, हम सब ने यहाँ पर रुके पानी पिया और आगे हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। जी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे अपनी मस्ती में बैठे हैं, मौसम इंजॉय कर रहे हैं। इधर देखें हैरी भी अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, भाई कैमरा मैन भाई हमारे गाने लगा के बैठे हैं, भाई भी मौसम इंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह सारे अपने अपने कामों में मसरूफ हुए हैं। जी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं, गाड़ी से उतरे हैं सब, पासा साहब आगे बैठे हैं, पासा साहब का भी निकलने का वेट हो रहा है। तो चलें चलते हैं फैमिली के पास, देखते हैं कैसा वेलकम करते हैं। तो जी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सब रेडी हैं हमें वेलकम के लिए। फ्रेंड्स आपने देखा सब रेडी हैं हमें वेलकम करने के लिए, तो अब हम अपनी थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे ही हम आगे चलते हैं तो हमारा वेलकम करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा वेलकम। आमीन जी, थैंक यू सारा इज्जत लाल ये सुल्तान के नाम। आमीन, बहुत शुक्रिया सबको, सलाम जी। आमीन, थैंक यू। आमीन जी, माला पा सकते हो। हम खुदा तेरे कलाम की मुनादी करे, तुझे इज्जत और जलाल मिले, तेरा शुक्र हो। गोजरा के अंदर खुदा तो लेकर आया ताकि हम पा खुदा इन पा खुदा प्यारों के साथ मिलकर यीशु मसीह तेरे बेटे यीशु को जलाल दें, और इनकी सारी मोहब्बत के लिए जो उन्होंने वेलकम किया, खुदा तेरे बेटे यीशु को हम मुबारक कहते हैं खुदा, और इनको बहुत बरकत देना और इस घराने को बरकत देना जिन्होंने खुदा हमें दावत दी है, हमें नहीं बल्कि तुझे दावत दी है। तेरे कलाम में लिखा है जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। तो देख खुदा आज हमारे इस गांव में आना मुबारक ठहरे, और जगह जगह हम विजिट करें, तुझे जलाल मिले, और बेटियों ने जितनी मेहनत किया है इनको भी फ्रूट देना, और तेरा पाक इस पूरे गांव के ऊपर, इस घर पर, इन फैमिलियों के ऊपर जोर से नाजिल हो यीशु के नाम से। आमीन, खुदावंद। तो जी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हम फैमिली के साथ मौजूद हैं, तो हम पास्टर मैनुअल मंजूर साहब के साथ इस विजिट पे आए हैं, तो अब हम पास्टर साहब के साथ मिलके दुआ करेंगे, चलाएं चलें दुआ करते हैं। अजीम और बाबरकत नाम है तमाम आज टीवी देखने वाले व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम है आपका होस्ट पास्टर मैनुअल। नाज़रीन आप जानते हैं कि आज टीवी की टीम हर शहर, हर गांव, हर गली के अंदर पहुंच जाती है ताकि वहां पर लोगों की गवाहियां ली जाए, क्योंकि खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि पूरी दुनिया आज टीवी देखकर बहुत ज्यादा बरकत पाते हैं, और आप भी बाखूबी वाकिफ हैं पास्टर उमर साहब की सारी खिदमात पर, क्योंकि जैसा कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि कैसे हालात जा रहे हैं, लेकिन वो शहरों में गाँव गाँव जाकर राशन भी तकसीम कर रहे हैं, और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं सिस्टर सुनीता के लिए, पास्टर शौकत फदर साहब के लिए, सिस्टर विनीश के लिए, खुदा ने भी बहुत ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, खुदा की तारीफ करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, आप नाज़रीन ये मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत ये जगह, मैं जब यहाँ पर विजिट कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खुदा के नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं। इस गाँव के लिए भी आज मैं दुआ करूंगा, और तमाम घरों में जाके हम विजिट भी करेंगे, हमारे साथ रहिए, खुदा इस प्रोग्राम के वजह से आपको बहुत बरकत दे। जी फ्रेंड्स आए हम चलते हैं पास साहब, आज पास साहब अब प्रे करेंगे लोगों के लिए, और उनकी टेस्टिमनी उनकी गवाहियां लेंगे जो उनकी ज़िंदगी में गवाहियां आई, तो चलाएं उनकी गवाहियां सुनते हैं। तो जी फ्रेंड्स हैरी को भी मैंने बता दिया है, तो हैरी के मुंह से आप सुन लें कि हैरी क्या कहना चाहते हैं। तो जी गाइस मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है जान, और ये मुझे इसने सरप्राइज दिया है कि ये वीडियो जो व्लॉग है ये हम शूट कर रहे हैं, ये आज हम पास्टर मैनुअल के साथ आए हैं, और पास्टर मैनुअल ने विज़िट करना था, और वो प्रेयर करेंगे लोगों के लिए, उनके टेस्टिमनीज लेंगे, और हम उनके साथ हैं। की तारीफ करते हैं नाज़रीन, इस वक्त भाई सरफराज के घर के अंदर मैं मौजूद हूँ, खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं, और ये आज़ी टीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आइए हम इनकी जुबानी सुनेंगे। तो जी बहन क्या नाम है आपका? तो आप मुझे बताइए कि आप किस कदर प्यार करते हैं आज़ी टीवी से? अपनी जिंदगी से भी ज्यादा हम प्यार करते हैं। और क्यों अपनी जिंदगी से भी आप आज़ी टीवी से ज्यादा प्यार करते हैं? तो कोई एक मौजा आप बताइए कि यीशु मसीह ने और पास्टर फर साहब की दुआओं के वजह से खुदावंद ने आपकी जिंदगी में किया हो? मेरी जिंदगी में मेरे ऑपरेशन चार हुए थे, तो
और पागल स्टेशन पे इस शहर को मुझे कहते थे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तो लेकिन मैंने पर्ची डाली टीवी आज टीवी के आगे दुआ करती रही कि मेरे ऑपरेशन भी ठीक ठाक हुआ है, बेटा भी खुदा ने जिंदगी जिंदगी वाला दिया और मुझे भी जिंदगी दी। और ये किसने मुआवजा किया? खुदा ने, यीशु मसीह ने। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और आप आईसी टीवी देखकर कितनी बरकत पाते हैं? बहुत ज्यादा पाते हैं। खुदावंद को मुबारक कहते हैं। नासिन, आपने सुना कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम कर सकता है, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है। डॉक्टर जवाब दे सकते हैं लेकिन यीशु आपको जवाब नहीं दे सकता। आप घबराएं ना, आप भी परेशान ना हो। जैसे बहने बताया कि डॉक्टर ने जवाब दिया कि अब बेटा भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं, बेटा भी ठीक है, ऑपरेशन किया वो भी ठीक है। सारा जलालम यीशु मसीह नासी के नाम को देते हैं। तो जी बहन, आपका क्या नाम है? यास्मीन। आप कितने बच्चे हैं? खुदावंद की तारीफ करते हैं। इस वक्त अब्बास आपके घर के अंदर मौजूद हैं, खुदा ने बहुत ज्यादा बरकत, उनकी फैमिली से बात करेंगे। और इस वक्त आंटी जी हमारे साथ हैं और ये भी आईसी टीवी देखते हैं लेकिन मुस्लिम हैं, और खुदा ने इनकी जिंदगी में भी अपना जलाल जाहिर किया। तो जी आंटी जी, आप मुझे बताइए, आप जब घर में बैठे आईसी टीवी देख रहे होते हैं तो क्या मौजूदा यीशु मसीह ने किया? मेरी गवाही ये है कि मेरा बेटा सी पर बारिश कोई बंद के घर रेंगे लड़ाइया झगड़े पे रेंगे सी, तो मैं पर्ची लिखा के टीवी थले महीना डेढ़ लिखा रखी। अल्लाह ताला ने यीशु मसीह के वसीले काम के इसका बाहर का काम बता दिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत राजी हूँ यीशु मसीह। आमीन। थैंक यू। तो जी बेटी, आपकी कोई गवाही? मेरी भाई जवाई गवाही ये है कि सबसे पहले मेरे को सब भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा भाई बहुत देर से लड़ाई झगड़ों के वसीले से झगड़ा था। मेरी मामा और मेरे वालिद बहुत परेशान से 3-4 साल से लड़ाइयाँ बहुत करता था, झगड़े बहुत सारे होते थे। मैंने दिल से एजिक टीवी देती हूँ। मैंने एजिक टीवी के नीचे पर्ची रखी और मैंने कहा कि मेरे भाई का कारोबार बन जाए, मैं गवाही दूँगी, यीशु मसीह के नाम की गवाही दूँगी। दूसरी मेरी गवाही ये है कि मेरे भाई की औलाद नहीं थी, मेरे भाई को खुदावंद यीशु मसीह ने बेटी जैसी नेमत अता की। जी, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और आप जब आईसी टीवी देख रहे होते हैं कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, आईसी टीवी मुझे बहुत पसंद है। और पास्टर फजल साहब के बारे में आप कुछ कहना चाहती हूँ? पास्टर अनवर फजल को मेरी तरफ से सलाम और आपकी टीम को भी मेरी तरफ से सलाम। आमीन। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, आपने सुना प्यारी बहन से, और यकीनन खुदा जो है वो मौजज़ात करता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मुझे तो देख के यहाँ पे बहुत मतलब के सैड फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं, कोई मार्केट, कोई शॉप नहीं पास। तो लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ चीज़ लेनी हो तो हमें सिटी में जाना पड़ता है, तो गोजरा सिटी यहाँ से दूर है, ये गोजरा विलेज है, तो काफ़ी इनको मतलब कि मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। तो चलें, हम दुआ करेंगे कि खुदा इसके लिए भी अच्छा करें। तो जी गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम गांव में आए हैं और ये पीछे आप व्यू देख रहे हैं गाँव का, और ये सारी ज़मीन है और गाँव में हम इंजॉय भी कर रहे हैं और मौसम बहुत प्यारा बना है। अंदर गए हैं टेस्ट मनी लेने के लिए, काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं और आगे आगे हम आपको दिखाते रहेंगे कि आगे आगे क्या व्यू है। गाइस, आप जानते हैं जैसे कि गांव में माहौल होता है, ये उस तरीके से इन्होंने पूरा माहौल, उनके गांव वाला माहौल है। हम विलेज पे आए हैं और साथ में ये देखें कि ये जो इन्होंने गोबर के इस्तेमाल किए, ये जो चीज़ें बनाई हैं, मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना। जी फ्रेंड्स, हम फ्री हो चुके हैं तो आप साहब चर्च में अपना मैसेज देंगे, तो हम पूरा तो नहीं लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा हम आपको साहब का मैसेज दिखाएंगे, तो आप भी देखें और बरकत पाएं। थैंक यू। कैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि पास साहब एंटर हो चुके थे, सॉरी मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका, और साथ में पास साहब को उन्होंने भरपूर तालियों में स्वागत किया, उनको हार्ट बनाए गए, आप देख रहे हैं वीडियो में। उसके बाद मेरी गुजारिश है भाई लतीफ से कि वो भी आए और पास्टर साहब के गले में माला पहनाकर अपनी खुशी का इजहार करें। भाई लतीफ, आपकी भरपूर तालियों में। उसके बाद मेरी गुजारिश है भाई अफसाल से कि वो भी आए
और पास्टर साहब के गले में माला पहनाकर अपनी खुशी का इजहार करें भाई अफजल साहेब। भाई नीचे बैठे भाई, फौजी रजाक जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहा है बराए मेहरबानी चर्च में आए, अगर नहीं तो मेरी गुजारिश अपनी बहन कोशिश से कि वो सामने आए और खुदा के खादम के गले में माला पहनाकर अपनी खुशी का इजहार करें। कि वो भी सामने आए और पास्टर साहब के गले में माला पहनाकर बेटा साहब के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, और इसी तरह मिसेस विलियम का और शुमाइला बेटी और इसी तरह उस्मा बहन और दीगर जितने भी जितनों ने भी मेहनत की और आज मैं यहाँ तक मौजूद हूँ, तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा दुआएं की और खुदा आपके दरमियान ने हमें लेकर आया। और मैं सभी का बीमार को अपन गाली पा सकता है, आपको गुरबत से निकाल सकता है, मेरा यीशु जिंदा है, वो यहाँ पर मौजूद है और हम सबको बरकत देगा। हालेलुया, सभी हाथों को खुली तौर पर उठा लीजिए। तेरा कलाम ज़माने रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और साथ में हमारे फ़ोन की बैटरी भी डेड थी और लाइट प्रॉपर नहीं थी, सॉरी माजत के साथ। और आप देख रहे हैं कि पास सबका मैसेज आने वाला है। कीजिएगा क्या आप मुर्दे, जो मुर्दे हैं उनको दफन कर सकते हैं? नहीं, बल्कि जो जिंदा होते हैं वही जो मुर्दा होता है उसे कब्र में उतारते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने क्यों फरमाया? उन्होंने कहा कि मुर्दों को मुर्दे ही दफन करेंगे, तू मेरे पीछे हो ले। यानी याद रखिएगा कि जो यीशु मसीह के अंदर नहीं है, जो यीशु मसीह के साथ नहीं चलते, वो जिंदा भी मुर्दा लोग हैं, और जो यीशु के साथ चलते हैं उनकी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी पाई जाती है। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे चल? शागिर्दों को क्या यीशु ने कहा जब मुनादी शुरू की? यीशु मसीह ने जब मुनादी का आगाज किया तो मिसो पतरस क्या कर रहा था? जाल को मिसो बना रहा था, मछलियां पकड़ रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? उससे कहा कि तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे आदमगीर बना दूंगा। तू मेरे पीछे चलना शुरू कर दे, अब तो तुम माहीगीर है, तुम मछलियां पकड़ता है, जब मेरे पीछे चलना शुरू कर देगा मैं तुझे बाप बरकत बना लूंगा। आमीन। और वही पतरस जो मछलियां पकड़ता था जब यीशु के पीछे चलना शुरू किया, और वही पतरस के साए में लोग मुर्दों को रख देते और मुर्दे भी जिंदा हो जाते। हालेलुया। ये सारा कुछ कैसे हो गया? ये यीशु के पीछे पीछे चलने की वजह से हो गया। लेकिन क्या हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? आज सवालिया निशान आपके सामने, सवालिया निशान, क्या हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या हम नाम के मसीही हैं? मेरे अजीजों, जिंदगी थोड़ी सी गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा और अपने रुख को तब्दील कीजिए। जी फ्रेंड्स, तो आपने खुदावंद के जलाल को देखा। मैं दुआ करूंगा कि आप भी दुआ करें और खुदावंद के जलाल को देखते रहें और खुदावंद के नाम को जलाल दें और उससे बरकतें लेते रहें। तो अब हम निकलने को हैं यहाँ से,
तो टाइम 10:30 हमें यहाँ पे हो चुके हैं, तो मैं दुआ करूँगा कि आप सरफराज होते जाएं और अपने लिए दुआ करें, अपने नेबर्स के लिए दुआ करें, अपने घराने के लिए दुआ करें और बढ़ते चले जाएं मसीह के नाम में। सलाम। नाज़रीन, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि एक ईमानदार के सबब से पूरा शहर सरफराजी पाता है। तो यकीनन मेरा ईमान है कि आपके सबब से पूरा शहर सरफराजी पाएगा। तो गॉड ब्लेस यू, दुआ करते रहें और मसीह में बढ़ते रहें और हमारे न्यू लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह खुदा उनके नाम को जलाल दें। ओके, गॉड ब्लेस यू। जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम पास्टर मैनुअल मंजूर साहब के साथ आए जो आइज़क टीवी के पास्टर हैं, तो आपने देखा कि उनके साथ साथ खुदावंद ने हमें भी यूज़ किया। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं, तो आप भी खुदावंद के नाम को जलाल दें और बढ़ते चले जाएं। हम खास शुक्रगुजार हैं पास्टर अनवर फजल, पास्टर शौकत फजल और अपने स्पिरिचुअल फादर पास्टर इमैनुअल मंजूर साहब के। तो खुदा उनको बरकत दे, आसमान ऊपर से और ज़मीन के सबसे नीचे से फूट कर इतनी बरकत दे कि रखने की जगह ना पाए। मसीह के नाम में सलाम। तो गाइस, अब कलाम हो चुका है ख़त्म, हमारा टूर हो चुका है ख़त्म और अब हम जा रहे हैं घर, और घर अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। सारा कुछ पैकअप हो चुका है, मैंने बोला था और हमारा सफ़र स्टार्ट हो घर जाके। हम खुदा अभी मेरे ख्याल में आपको आया होगा, आज का हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा उस टाइम का। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सुबह के 6 बज रहे हैं, तो हम अभी पहुंचे हैं, तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो आपने सारा कुछ देखा होगा खुदा का जलाल, तो फ्रेश हो के ईदे पेंटिकोस्ट के दिन को मनाएंगे, तो खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस। ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਤੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ